नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे रेलवे रीजनिंग किरण पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक का। दोस्तों हम रिव्यू करेंगे और ये बुक दोस्तों टीसीएस से द्वारा जितने भी आयोजित किए गए रेलवे के एग्जाम उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया गया है रीजनिंग के। और इस बुक में दोस्तों 2018 से 2023 तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पिछले 5 साल के। इस बुक को दोस्तों हाइब्रिड मोड में तैयार किया गया, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉक टेस्ट सारा कुछ देखा है इसमें शामिल किया गया दोस्तों। और यहाँ शुरुआत में इन्होंने बताया है कि कौन से एग्जाम से कितने सेट आपको देखने को मिलेंगे। टोटल यहाँ 255 सेट आपको देखने को मिलने वाले हैं। एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी स्टेज वन के 129 सेट है, स्टेज टू के 18 सेट है, ग्रुप डी के 40 सेट है, ईएलपी के 30 सेट है, ईएलपी स्टेज टू के 9 सेट है, एसआई के 9 सेट है, कांस्टेबल के 19 सेट है और ईएलपी जीडीसीई जो रेलवे का इंटरनल एग्जाम होता है उसके 1 सेट आपको देखने को मिलेंगे। मतलब रेलवे के सारे एग्जाम को किरण पब्लिकेशन के इस बुक में कवर किया गया है। इस बुक का जो एमआरपी है दोस्तों 525 है, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। बुक का कोड 4875 है। नंबर ऑफ पेजेस के बारे में बात करें तो इस बुक में नंबर ऑफ पेजेस आपको 640 देखने को मिलेंगे। और आगे दोस्तों हम देखें यहां पे दोस्तों हम देखें तो ये रीजनिंग का बुक है प्रीवियस ईयर रेलवे के सारे एग्जाम के लिए। एक आपको कूपन कार्ड देखने को मिलेगा ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए। सारा स्टेप्स यहां लिखा हुआ है पहले पेज के अंदर, इसको आप देख लीजिएगा। अगर हम सेट के बारे में बात करें तो सेट में आपको सबसे पहले ईएलपी देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, उसके बाद यहाँ पे एनटीपीसी स्टेज वन और इसके बाद स्टेज टू, उसके बाद आपको ग्रुप डी देखने को मिलेगा, सबसे लास्ट में जीडीसीई आपको देखने को मिलने वाला है। जो सेट है दोस्तों यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के रेलवे क्वेश्चन पूछते हैं कौन से एग्जाम में, जैसे ग्रुप डी में क्या लेवल होता है, उसके बाद एनटीपीसी में क्या लेवल होता है रीजनिंग का, वो सब चीज आपको पता चल जाएगा। तो आप उस तरीके से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों सॉल्यूशन के बारे में तो यहाँ पे दोस्तों सेट आपको दिए गए हैं क्वेश्चन के बाद, उसके बाद आंसर की देखने को मिलेगा, उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन काफी डिटेल में काफी बेहतरीन दिया गया है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। आगे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे तो सारे एग्जाम को कवर किया गया है। बुक दोस्तों काफी ज्यादा बेहतरीन है, इस बुक को दोस्तों आप ले सकते हैं। सारे सेट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एनटीपीसी में आप लोगों को पता है कि रीजनिंग यहाँ पे 27 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 क्वेश्चन का वेटेज होता है, 30 क्वेश्चन मैथ्स 30 क्वेश्चन रीजनिंग। अब हो सकता है कि दोनों मिला जुला के कम ज्यादा भी हो सकता है, जैसे किसी सेट में 27 क्वेश्चन है, किसी सेट में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज्यादा भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट 30 क्वेश्चन होने चाहिए एग्जाम के अंदर। जैसे यहां देखिए एनटीपीसी का एग्जाम है, केवल 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं रीजनिंग के, ठीक है। तो रीजनिंग दोस्तों बहुत इजी होता है और यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो आपके पास एक बेहतरीन बुक होना चाहिए। तो रीजनिंग की तैयारी के लिए ये बुक दोस्तों बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बुक है, इस बुक को आप लीजिए, बुक से आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और इनके अलावा इनके और भी बुक आते हैं जिसमें मैंने आपको दिखाया था, रिव्यू किया था यहाँ पे, तो ये सामान्य अध्ययन का बुक है, सेम 255 सेट है। इस बुक में भी दोस्तों आप देखेंगे 255 सेट है और ये सामान्य विज्ञान का बुक है। और यहाँ पे दोस्तों 255 सेट आपको देखने को मिल जाएगा टीसीएस के 2018 से 2023, ये मैथ्स का सेट है, ठीक है। तो इनके 4 बुक लॉन्च हो चुके हैं, इन चारों बुक को आप परचेज कर सकते हैं रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। चारों बुक दोस्तों बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, ये चारों बुक आपके पास होने चाहिए, ठीक है। आगे दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे तो इस बुक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो ये मैथ्स का बुक है दोस्तों, इसमें रेलवे के आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, पिछले 30 साल के लगभग 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन है। रीजनिंग का ये बुक है जिसमें 8700 से ज्यादा क्वेश्चन है। ये खान सर का बुक है जिसमें 27,000 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सार संग्रह है। उसके बाद ये साइंस के 3 बुक है दोस्तों, बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स। उसके बाद ये सामान्य ज्ञान विज्ञान का बुक है दोस्तों, एनसीईआरटी पे आधारित, ठीक है। तो इन बुक को आप ले सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का दिन आप लोगों का काफी अच्छा रहा है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।